I have shared my screen. Can you guys see my screen? यस सर जी ठीक सर है जी। कल हमने सक्सेसफुली एक काम कर लिया था कि यूजर को रजिस्टर हमने कर लिया था, ठीक है। अब मुझे दो और APIs बनानी है इसी के साथ कि यूजर लॉगिन हो, और उसके अलावा जो है लॉगिन होने के साथ साथ मुझे उसको टोकन देना है, क्योंकि टोकन जनरेट नहीं करना मुझे, एक चीज़ और। और दूसरी चीज़ और, हमने डेटाबेस के अंदर देखी थी कि हमने एक इज लॉग्ड इन ऑन एंड ऑफ रखा था। तो जब लॉग इन होगा बंदा तो वो जो है ऑन होगा, इज लॉग्ड इन, और अगर लॉग आउट हो जाएगा तो उसको ऑफ करना है, ठीक है। अब रजिस्टर हो गया, अब मुझे लॉग इन और लॉग आउट पे काम करना है, ठीक है। इसी कंट्रोलर को लेके चलूंगा मैं अभी, यूजर कंट्रोलर, ठीक है। अच्छा, अब यूजर कंट्रोलर पे मैंने एक रजिस्टर बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बनाऊंगा पब्लिक। अब मैं बहुत सारी चीजें कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो वाली बिजनेस लॉजिक और वो बहुत ज्यादा चीजें हम मैंने पहले लिखी हुई है, ठीक है। लॉग इन, ठीक है। अब लॉग इन की जो हमारी API होगी वो भी पोस्ट हुई होगी, उसमें हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे, सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड, उसमें ईमेल हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अगर यूजर दे रहा है तो उसकी मर्जी है, नहीं दे रहा तो उसकी मर्जी है, ठीक है। तो उससे हमारा लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी इसी तरह रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर मैं यूजर DTO एक्सपेक्ट करूंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है यूजर बिजनेस लॉजिक के अंदर आता हूँ मैं, ठीक है। और यूजर बिजनेस लॉजिक के अंदर ये जो रजिस्टर है ना, इस रजिस्टर को मैं जरा कॉपी करता हूँ पूरा, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इस रजिस्टर यूजर की जगह पे मैं लिखता हूँ लॉग और इस रिक्वायर्ड के अंदर मुझे ईमेल नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे दो चीजें चाहिए, सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। और अगर इस तरह हो रहा है तो यहाँ से जो है मैं एरर फेंक दूंगा, बाकी एल्स के अंदर वाला काम मैंने अभी नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अब यूजर सर्विस के अंदर आऊंगा मैं। यूजर सर्विस के अंदर मुझे ये चेक नहीं करना कि ये दो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, लेकिन मुझे एक चीज वो करनी है कि फाइंड बाय यूजर नेम एंड पासवर्ड। लेकिन आपको याद होगा जब हमने पासवर्ड जो है मैच किया था, तो सॉरी पासवर्ड जब हमने सेव किया था तो उसको हमने हैश किया था, डू यू रिमेम्बर ये वाली चीज, यस ठीक है। हैश किया था उसको। हाँ, हैश किया था, ठीक है। अब जब मेरे पास यूजर डिटेल के अंदर पासवर्ड आ गया है तो पहले तो मुझे वहां से डेटा मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा यूजर नेम एक ही है। तो फाइंड बाय यूजर नेम अगर मैं करूंगा तो मेरे पास एक ही बंदा आएगा, और मैं फिर पासवर्ड जो है उससे मैच करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको किस तरह करेंगे, पब्लिक void login user, ठीक है जी। अच्छा, अब इस login user के अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जो है जो मेरे पास यूजर नेम आया हुआ है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर यूजर DTO, ठीक है, यहाँ से मैं यूजर नेम निकालूंगा और एक यूजर फाइंड करूंगा इसी का, यूजर यूजर इक्वल्स टू यूजर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूजर नेम करूंगा, और उसमें दूंगा यूजर DTO डॉट गेट यूजर नेम, ठीक है जी। मेरे पास यूजर आ गया, अब मुझे ये पता नहीं है कि यूजर आ गया या नहीं, हो सकता है मेरे पास गलत यूजर नेम हो मेरे पास, सही है जो आया हो, तो मुझे कोई रिकॉर्ड ही फाइंड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं इफ की कंडीशन लगाऊंगा और लिखूंगा ऑब्जेक्ट्स डॉट नॉन नल। अगर मेरे पास यूजर नेम गलत यूजर ने दिया होगा तो वो यूजर नेम के कोई रिकॉर्ड ही फाइंड नहीं होगा, तो मैं बोल सकता हूँ नो सच रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर यूजर आ गया, ठीक है। अगर नॉन नल नहीं है तो यहाँ मैं अपनी लॉजिक दूंगा, एल्स के अंदर मुझे एरर शो कराना होगा, नो सच यूजर फाउंड, ठीक है। अब उस नो सच यूजर के लिए मुझे यहाँ पर ऊपर यूजर DTO बनाना होगा, यूजर DTO 1 इक्वल्स टू न्यू यूजर DTO, पूरा एक नया यूजर DTO का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब एल्स के अंदर लेट्स से अवेस जब मुझे कोई यूजर नेम अपना दे रहा है कि मेरा यूजर नेम ये है, और जब मैं डेटाबेस से सर्च कर रहा हूँ फाइंड बाय यूजर नेम और मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा, इसका मतलब कि उसने गलत यूजर नेम दिया है, राइट? यस सर ठीक है, तो अगर गलत यूजर नेम दिया है तो मैं यहाँ पर रिटर्न करवा सकता हूँ कि नो सच एरर यूजर फाउंड। अभी तो मैंने पासवर्ड मैच ही नहीं किया, उस पर एरर अलग जाएगा, लेकिन अगर यूजर ही गलत है, यूजर नेम ही गलत है, तो उस पर एरर अलग से फेंक दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ठीक है सर।
यूजर DTO 1 डॉट सेट एरर, ठीक है, नो सच यूजर फाउंड, ठीक है। अगर मिला ही नहीं है तो ज्यादा अंदर इफ के अंदर आने के और मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट जो है रिटर्न कर दो यूजर DTO 1, ठीक है, और इसका रिटर्न बना दो यूजर DTO, ठीक है। अच्छा, अब उसको यूजर तो मिल गया, लेकिन अब पासवर्ड मुझे मैच करना है। पासवर्ड मैच करने के लिए मुझे एक काम करना होगा कि मुझे जो पासवर्ड है पहले वाला पासवर्ड, यूजर नेम से रिकॉर्ड मिल गया, इसका मतलब यूजर नेम मैच हो गया। अब मुझे पासवर्ड मैच करना है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्ट्रिंग यूजर पासवर्ड इक्वल्स टू, यहां से ऊपर से मैं एक चीज कॉपी करने लगा हूँ, कौन सी थी जब हम डेटा सेव करा रहे थे, ये हैश डॉट हैश पासवर्ड यूजर DTO डॉट गेट पासवर्ड, ये चीज मेरे पास यहाँ आ गई, ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ट्राई कैच, ट्राई कैच एक्सेप्शन ईएक्स, ठीक है। अब लेट से अगर मेरे पास पासवर्ड मैचिंग करने में कोई मसला आ जाता है या कुछ भी, तो मैं ईएक्स डॉट प्रिंट स्ट्रेक टेस्ट तो करूंगा ही, क्योंकि मैं एज अ डेवलपर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में ये वाले काम भी कर दूंगा, ताकि कोई एरर आ जाए तो कम से कम मैं यूजर को ये बता दूं, ये बाद में मिटाया जाएगा जब मेरी डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी, ये मिटाया जाएगा। अगर एरर आ गया तो मैं यूजर को बोल दूंगा फिलहाल भाई नो सच पासवर्ड फाउंड या नो सच यूजर फाउंड, ठीक है। उसको मुझे ये थोड़ी बताना है कि मेरे पास एरर आ गया, ठीक है। अच्छा, ये यूजर पासवर्ड मैच हो गया। अब इफ की कंडीशन लगाते हैं, इफ यूजर पासवर्ड, ठीक है, डॉट equals और not equals, not, चलो equals पे लगाते हैं, dot equals user, sorry user, ठीक है, dot get password, ठीक है जी। अब अगर equals हो गए तो क्या करना है, और अगर नहीं हुए तो क्या करना है, ठीक है, नहीं हुए तो क्या करना होगा, यही वाला काम, ठीक है। अगर पासवर्ड मैच नहीं हुआ, यूजर मैच हो गया लेकिन पासवर्ड मैंने गलत दे दिया, तो क्या फायदा, फिर भी यही डर आएगा। अच्छा, अब अगर पासवर्ड मैच हो गया तो मुझे क्या निकालना होगा, टोकन निकालना होगा, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि यूजर से मैं टोकन कैसे निकाल सकता हूँ, मैं यूजर आईडी से टोकन निकाल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो टोकन है इसके अंदर यूजर पड़ा हुआ है, लेकिन यूजर के अंदर टोकन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब इसको मैनेज करते हैं किस तरह। मेरे पास यूजर आईडी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर टोकन बना सकता हूँ, टोकन इक्वल्स टू टोकन रिपोजिटरी डॉट फाइंड। सर, आपका इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। हाँ, मेरे पास इंटरनेट का इशू आ रहा है, लेट मी डिसकनेक्टेड। ओके, मेरी आवाज सही आ रही है अब? जी सर। ठीक है, ओके, कंटिन्यू करें, अब सही है जी सर, आ रही है। अब टोकन रिपोजिटरी के अंदर मैं यहाँ पर एक ये रखूंगा टोकन, ये, और यहाँ पर लिखूंगा फाइंड बाय यूजर, ठीक है। वैसे सर, जो आपने पासवर्ड हैश वाला मैं सेव करवाया था वो आप मैच करवा रहे हैं? नहीं, जो मेरे पास यूजर जो मुझे पासवर्ड देगा वो मुझे हैश्ड पासवर्ड नहीं देगा, वो मुझे देगा इनाम 123, लेट से, ठीक है। लेकिन मेरे पास उसने जब रजिस्टर किया था तो उसने पासवर्ड जो मुझे दिया था वो मैंने हैश करके डीबी में रखा था, राइट। तो अब मुझे जब कंपेयर करना होगा तो हैश चीज वापस डिक्रिप्ट नहीं होती। हैश में क्या करना होता है, जो यूजर से, अब यूजर DTO में मेरे पास जो पासवर्ड आया उसको मैंने हैश कर दिया, अब डेटाबेस में भी हैश पड़ा हुआ है, मैंने भी उस पासवर्ड को हैश कर दिया, ठीक है। अब अगर पासवर्ड यूजर से जो सही आया होगा, जो मेरे पास डेटाबेस में सही पड़ा होगा, तो उसकी हैश और उसकी हैश दोनों मैच हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, राइट। ठीक है।
ओके अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ फाइंड बाय यूजर के अंदर मैं दे रहा हूँ यूजर, ठीक है मैं इसको यूजर दूंगा और ये मुझे टोकन रिटर्न करेगा यूजर का, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं इसको दूंगा फाइंड बाय यूजर, यूजर के अंदर मैं यूजर का पास कर दिया, ठीक है। अब ये अगर यहाँ काम नहीं करेगा तो मैं इसको सिर्फ फाइंड बाय यूजर आईडी कर दूंगा और आईडी पास करूंगा, अगर इसने पूरे यूजर के ऊपर काम नहीं किया तो लेट से, ठीक है। अच्छा अब टोकन आ गया, अब मुझे क्या करना है कि जो यूजर डीटीओ है डॉट सेट टोकन करना है क्या, जो मुझे मिला है टोकन डॉट गेट टोकन और यूजर डीटीओ वन के अंदर मुझे सेट मैसेज करना है वो ये है कि लॉग इन सक्सेसफुल, ठीक है जी। अच्छा अब ट्राई करते हैं कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, और उसके अलावा जो है मुझे यहाँ से रिटर्न भी तो करना है, रिटर्न यूजर डीटीओ वन, ठीक है हर जगह से यूजर डीटीओ वन ही रिटर्न हो रहा है, ठीक है यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया लॉग इन यूजर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आ रहा हूँ मैं, यहाँ मैं रिटर्न करूँगा रिटर्न यूजर सर्विस डॉट लॉग इन यूजर, ठीक है, और लॉग इन यूजर जो है यहाँ पर मैं पास करूँगा यूजर, ठीक है, और यहाँ से यूजर डिटी और ये लॉग इन यूजर है ना, यहाँ पर मैं कर दूंगा रिटर्न यूजर बिजनेस लॉजिक डॉट लॉग इन यूजर और यहाँ से डायरेक्ट में यूजर डीटीओ पास कर दूंगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, जब तक मैं इसकी एपीआई सेट करता हूँ, इसकी एपीआई मैंने स्लैश लॉग इन रखी हुई है, राइट। अच्छा अब इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, इसकी जगह मैंने लॉगिन लिखा, यहाँ पर मैंने पोस्ट रखा और इस बॉडी के अंदर मैंने ये बॉडी पास की, ठीक है, और रॉ जेसन पेस्ट कर दिया। अब इसकी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये जाए ना जाए इट्स ओके। अच्छा अब ये स्टार्ट हो गया, अब मैं इसको एडिट करने लगा हूँ, देखते हैं क्या एरर, ठीक है जी। देखो टोकन आ गया और लॉगिन सक्सेसफुल आ गया, इसको सेम टोकन मिल गया, ठीक है। अच्छा अब मुझे सिर्फ एक और चीज़ करनी है, वो ये कि मुझे उसका जो लॉगिन है